सबको नमस्ते। हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। क्लास सिक्स का मैथ देखिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, और एक्सरसाइज 1.3 हम देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं मैथ क्लास सिक्स का और एक्सरसाइज 1.3। तो पहला क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, निम्नलिखित संख्याओं का नाम लिखिए। इसका नाम लिखना है, जैसे मेरा नाम है, मेरा चैनल का भी नाम है, उसी तरह से आपका भी नाम है ना, और इस संख्या का भी नाम है। तो किस संख्या का क्या नाम है, आइए जानते हैं। तो पहले कुछ रब करते हैं, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको इकाई बोलते हैं, दहाई बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं, हजार बोलते हैं, है ना। इंडियन सिस्टम में ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो क्या हो जाएगा, 3000। क्या लिखेंगे, 3400। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 469। देखेंगे इसको पहले रख करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, जैसे यहाँ इसको देख रहे हैं 5603, 5603 है। इसको क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, दहाई बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सैकड़ा बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, हजार बोलेंगे। तो इकाई मतलब क्या होता है, गुना एक, मतलब इसको हम एक से गुना करेंगे। दहाई मतलब क्या होता है, गुना 10। सैकड़ा मतलब क्या होता है, गुना 100। हजार मतलब क्या होता है, गुना 1000। देखिए इकाई में जीरो नहीं है, सैकड़ा में, दहाई में क्या, 1 जीरो है, सैकड़ा में 2 जीरो है, और हजार में से 3 जीरो, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब समझे, जैसे यहाँ 6 है, तो 6 सैकड़ा हुआ, 6 सैकड़ा मतलब जो यहाँ 6 है, 6 × 100, तो क्या आएगा, 600, है ना। यहाँ 5 है, तो 5 × 1000 मतलब 5000। तो इसको हम 5000 बोल रहे, इसको 600 बोल रहे, उसके मतलब यहाँ देखिए 0 है, 0 को 10 गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मतलब ये क्या हुआ, इधर हजार हुआ, इधर सैकड़ा हुआ, इस इधर आपका दहाई, इधर इकाई, है ना। तो हजार में से देखिए 3000, हजार के जगह पर क्या है, 3 है, सैकड़ा के जगह पर क्या है, 4 है, सैकड़ा मतलब 100, तो 400 हो गया, ये 69 एक साथ हो जाए। उसी तरह से इधर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5603। इसको लिखेंगे 5603, ये होगा, ठीक है। अब इधर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, 10000 के एक साथ लिखेंगे, 10000 में क्या, 35 है, लिखेंगे 35000। जहाँ है 35000, सैकड़ा में क्या, 0 है, मतलब कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 65, क्या होगा, 65, इसको देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख है, लाख, तो इसको लिखेंगे 6 लाख। क्या लिखेंगे, 6,53,000, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, तो 10000 के जगह पर क्या है, 53 है, तो 53 लिखेंगे, 53000, है ना, 53000 मात्र। इधर सैकड़ा में आपका कुछ भी नहीं, 0 0 है, मतलब 6,53,000। अब इसको देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़ है, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 करोड़, 5 करोड़ एक साथ हो गया, 43 लाख। इसको क्या बोलेंगे, 43 लाख, है ना, 43 लाख, उसके बाद 43 लाख, 25000 यहाँ पर देंगे। इसको क्या लिखेंगे, 25000, हाँ, क्या लिखेंगे, 25000, 25654, 654। देखिए ये इंडियन सिस्टम में है ना, भारतीय संख्यांक पद्धति में है। इसमें क्या होता है, 3 अंक के बाद कॉमा देंगे, और हर 2 अंक के बाद कॉमा देंगे, जैसे 3 अंक के बाद कॉमा, 2 अंक के बाद कॉमा, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा। लेकिन अब इसको चले जाएंगे इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति में जाएंगे, तो हर 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है। इसे इसको देखेंगे, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा है ना। इसको हल करेंगे, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है,
निम्नलिखित संख्याओं को प्रसार रूप में लिखिए। प्रसार रूप में लिखना है तो प्रसार रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए प्रसार मतलब क्या होता है, लंबा करके लिखना है। क्या होता है, लंबा करके लिखना, शॉर्ट में ही लिखा हुआ है तो प्रसार। जैसे यहाँ इसको पढ़े थे ना, इसको क्या बोलेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार की जगह पर क्या है पाँच है, तो लिखेंगे पाँच हजार प्लस इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा जगह पर क्या है छः है, तो लिखेंगे छः सौ, सैकड़ा मतलब सौ होता है बताए थे, और इकाई दहाई, दहाई मतलब दस होता है, दस से गुना करेंगे छः में तो क्या हो जाएगा साठ हो जाएगा प्लस पाँच। इसको समझ लीजिए है ना, इसका जैसा अभी हम समझाए थे यहाँ पर उसी तरह से इसको देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार हजार में कितना है दो है, तो दो हजार, तो दो हजार कर देंगे चाहे दो गुने एक हजार से गुना करेंगे दो हजार आ जाएगा प्लस इकाई दहाई सैकड़ा चार है, चार क्या है सैकड़ा में, सैकड़ा मतलब सौ होता है प्लस ये दहाई में है, दहाई में मतलब दस से गुना होता है और इकाई में कुछ नहीं जो जीरो लिख सकते हैं। अभी इसको देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में क्या है नौ है तो नौ हजार हो जाएगा, सैकड़ा में क्या है नौ है तो नौ सौ हो जाएगा, दहाई में क्या है नौ है मतलब नब्बे हो जाएगा और इकाई में जीरो है। फिर देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार है ना, हजार में क्या है आठ है तो आठ हजार हो जाएगा प्लस सैकड़ा में क्या है सात है तो सात सौ हो जाएगा प्लस दहाई में क्या है जीरो है तो और सैकड़ा में क्या है इकाई में क्या है सात है तो सात। इस तरह से क्या हो गया, ये प्रसार रूप में लिखे मतलब, प्रसार रूप मतलब क्या, तो थोड़ा लंबा फैला देना है, प्रसार कर देना है ना। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में लिखना है तो पहले इसको समझना अनिवार्य होगा। इसको सबसे नीचे वाला को समझाते हैं, जैसे हम लोग इंडियन में क्या करते हैं भारतीय संख्यान पद्धति में बोलते हैं इकाई बोलते हैं सैकड़ा बोलते हैं, इकाई बोलते हैं दहाई बोलते हैं सैकड़ा बोलते हैं, बोलते हैं ना, चलिए इकाई दहाई सैकड़ा ठीक है, यहाँ तक इंडियन में आएगा ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा ठीक है। अब दो, अब उसके बाद क्या बोलते हैं ला, हजार दस हजार लाख ऐसे बोलते हैं, किसमें भारतीय में क्या बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब ऐसे बोलते हैं भारतीय संख्यान पद्धति में। तो इसको बेहतर जानने के लिए इसका मेरे पहले वीडियो में आप चल जाइए 1.2 का एक्सरसाइज, तो वहाँ अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको हम समझा दे रहे हैं पर देखेंगे, तो ये हुआ सैकड़ा तक हुआ है ना, और ये उसके बाद क्या बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार बोलते हैं, इसको हजार बोलते हैं, दस हजार बोलते हैं, लाख बोलते हैं, किसमें भारतीय संख्यान पद्धति में। और लेकिन इंटरनेशनल में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हजार हो जाएगा, पूरा टोटल पर टोटल हजार काउंटिंग होगा। उसके बाद ये क्या कहलाएगा मिलियन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा मिलियन है ना, और ये क्या कहलाएगा जो इधर रहेगा सो बिलियन कहलाएगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में कैसे होता है इकाई दहाई सैकड़ा उसके बाद ये हजार, तीनों डिजिट क्या हो जाएगा हजार हो जाएगा, और ये दोनों तीनों डिजिट क्या हो गया मिलियन हो जाएगा, और दो यहाँ जो यहाँ भी जो डिजिट रहेगा वो बिलियन हो जाएगा। मतलब देखेंगे सैकड़ा हुआ हजार हुआ है ना, लाख हुआ दस लाख, मतलब दस लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, लाख तक जो आता है वो क्या कहलाता है हजार में आता है ना, दस लाख, दस लाख मिलियन में आ गया, दस लाख जो हम लोग काउंट करेंगे मिलियन में होगा है ना। जैसे किसी का सब्सक्राइबर हो गया वन मिलियन, मतलब दस लाख मिलियन हो गया, दस लाख हो गया, वन मिलियन बराबर दस लाख। फिर देखेंगे ये मिलियन नहीं आएगा, ये मिलियन आएगा, ये मिलियन क्या होगा 543 मिलियन होगा, ये क्या कहलाएगा 543 मिलियन ठीक है, ये मिलियन। यहाँ तक समझ गए, जब इसको समझ गए तो इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे, क्या कहलाता है इधर, इधर सैकड़ा तक हुआ, इधर क्या हुआ टोटल इकाई दहाई सैकड़ा, ये क्या हो गया मिलियन हो गया, ये क्या हो गया सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा, उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया हजार, इसके क्या कहलाएगा मिलियन, समझे यहाँ बताए ना। तो इसी तरह इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे तीन, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा है ना, सैकड़ा हो गया ये हजार हो गया, तीनों डिजिट हजार हो गया, उसके बाद मिलियन हो गया, तो तीन मिलियन 567 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 567 67 हजार, ये हजार में आ जाएगा 567 हजार 698, क्या होगा 698
ठीक है। अब इसी में देखिए, एकाध दहाय सैकड़ा, ये हजार में हो गया, ये मिलियन में हो गया, ये क्या हो गया मिलियन में, मतलब ये क्या हो गया सैकड़ा तक हुआ, ये हजार में हो गया, हजार में हो गया, ये मिलियन में हो गया, ठीक है। इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाँच, इसको मिटाते हैं ना, यहाँ तो मिटाते हैं, इसको लिखेंगे 556 मिलियन, ये तीनों एक साथ बोलेंगे 556 मिलियन, मिलियन क्या बोलेंगे, 556 मिलियन 783 हजार, है ना, 783 हजार, 783 हजार हो गया, 205, 205, ठीक। अब यहां देखिए इसको, इसको मिटाते हैं, तो ये क्या है, इस सैकड़ा, ये क्या हो गया इस सैकड़ा तक हो गया, ये क्या हो गया हजार कहलाएगा, और ये क्या होगा मिलियन कहलाएगा, और ये क्या हो गया बिलियन कहलाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 2 बिलियन, ठीक है, 2 बिलियन 543 मिलियन, क्या लिखेंगे 543 मिलियन, 543 मिलियन, 564 हजार, लिखेंगे 564 हजार, 565, 565, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिए। अब चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, मेरे चैनल पर बने हैं, यदि अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बीच इसे फैला दीजिए, ठीक है। 4 देखिए, हल करना है, हल क्या करेंगे, सॉल्व करना है, देखेंगे यहाँ पर ये में है कि क्या ब्रैकेट के अंदर है 3 + 5 × 4, तो आपको सबसे पहले क्या हल करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है, ये फार्मूला आप पढ़ेंगे तो जो आगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 7 क्लास में भी सॉल्व करेंगे, 8 क्लास में भी करेंगे, तो आप आसानी से बना लेंगे, है ना। बोर्डमस, बोर्डमस वो बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट 3 तरह से होता है, ये छोटा ब्रैकेट हो गया, ये मेंजा ब्रैकेट हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, तो जो पहले ब्रैकेट में होगा उसका काम करेंगे, ब्रैकेट वाला को काम कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ऑफ मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ का रहेगा, है ना, का 4, का मतलब गुना होता है, ठीक है। डी से क्या होता है, डिवाइड होता है, भागा काम करेंगे, ये जब रहेगा तो पहले इसका काम कर लेंगे, उसके बाद डिवाइड रहेगा, डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद एम से मल्टीपल है, गुना काम करेंगे, उसके बाद ए से जोड़ का काम करेंगे, ए से सब्ट्रैक्ट घटा काम करेंगे, इसके अनुसार काम करेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि पहले घटा देंगे पहले जोड़ देंगे, वैसे नहीं, ठीक है। चलिए आइए देखिए यहाँ क्या कहता है, ब्रैकेट पहले करेंगे, तो पहले ब्रैकेट काम करेंगे, तो ब्रैकेट क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम तोड़ेंगे, तो 3 + 5 कितना होगा, 8 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म, गुने 4 तो कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 32 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका ब्रैकेट करेंगे, गुना में है तो 3 × 15 प्लस है, प्लस करेंगे 6 × 24, देखिए इसका काम किए तो ब्रैकेट खत्म हो गया, इसका काम किए ब्रैकेट खत्म हो गया, है ना। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो 5 × 4 = 9, 1 + 2 = 3, 3 = 39 हो जाएगा, तो आंसर लिखेंगे। अब देखेंगे सी में, देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, 3 गुना, ये जो ब्रैकेट के अंदर जब कंप्लीट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 × 6 = 11, 11 × 2 = 13, यहाँ प्लस है, प्लस कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 4 गुना, यहाँ गुना कर दिए, इसको जोड़ देंगे, 2 और 5 = 7, यहाँ देखेंगे ब्रैकेट काम हो गया, यहाँ डिवाइड, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे, अब इसको काम करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे, इन्हें गुना का काम करेंगे, है ना। अब गलती से इसको जोड़ दिए तो मिस्टेक हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 13 × 39 + 7 = 28, अब इसको जोड़िए, 9 और 8 = 17, 1, 3, 2, 5 और 1, 6 आंसर, ठीक। और देखिए इसको भी ब्रैकेट के अंदर है सो काम करेंगे तो 100 और 5 जोड़ेंगे तो 105 गुना हो जाएगा, 100 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा 95 हो जाएगा, है ना। अब इसको गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही होगा, तो 105 को हम 95 से गुना करेंगे तो 5 + 25, 5 = 5,
9 5 9 5 45 और 9 1 9 5 5 2 7 5 4 9 9 99 97 आया। कितना आया? इसको गुना किए तो कितना आया? 99 97 ये आंसर हुआ। इस तरह से बच्चों, इस तरह से हम चौथा क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिए। अब आ गया ये पांचवा देखिए, रोमन पद्धति है। क्या है? रोमन पद्धति। तो आपको रोमन संख्या आद करना पड़ेगा, आप आद करेंगे तभी बना पाएंगे, है ना। रोमन एक से कम 1000 का होता है एम होता है, 500 का डी होता है ना, 100 का सी होता है, 50 का एल होता है। इस तरह से हम आद करेंगे तब अच्छा से बना लेंगे। तो आप इसका पीछे वाला देखेंगे, पीछे वाला पेज में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी आपको हम बना दे रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर क्या है। आपको ये क्या लिखा हुआ है? 19। तो 19 का क्या होगा? 19 देखेंगे, ये क्या होता है? 10 होता है। अरे क्या होता है? 10 होता है। तो 10 10 20 हो गया। 20 में से ये क्या होता है? ये 1 होता है। तो 20 में 1 घटा दिए तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, मतलब 19 हो गया, ठीक है। 49। तो एल का क्या होता है? एल 50 होता है। एल 50 होता है, 50 पहले 1 घटा देंगे तो 49 हो गया। यहाँ क्या है? 100 पे लिखेंगे। 100 का क्या होता है? सी होता है। 100 का क्या होता है? सी। और उसके बाद सी के पहले हम 10 कर देंगे तो 10 घट गया, मतलब 90 हो गया। 90 हो गया और 8 लिखेंगे। 8 कैसे लिखेंगे? 5 6 7 8 ऐसे लिखेंगे। 100 है, 100 का क्या होता है? सी। 500 है, 500 क्या होता है? डी। 1000, 1000 का क्या होता है? एम। अब देखेंगे 150 है तो 150 का 100 का क्या होता है? 100 का सी। और 50 का क्या होता है? एल होता है, एम। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट और हम देख पूरा कंप्लीट कर लिए 1.3 एक्सरसाइज। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल को आप देखते रहिए। धन्यवाद।